आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और बीस साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है आज के इन्फ्लेशन में आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए क्या वो पैंतीस साल तक खींच सकता है ये प्रैक्टिकल नहीं है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी जो आज सत्तर पिछहत्तर का होगा बच्चे भी तो पचास पचपन के हो रहे होंगे वो अपना बुढ़ापा देखेंगे वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि साठ साल की उम्र में हम रिटायर हो जाए उससे बाहर निकलना होगा जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और दो पैसे कमाते रहना है जी कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाए तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता क्योंकि तो चुप ना रहे चुप आप ये कह रहे हैं कि चुप ना रहे अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं तो आप सबको बताएं जी रथ साहब बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है जो कुछ भी आपके पास है वो आप हमारे नाम कर दें इस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है जो भी आपके पास आर्थिक साधन है वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं, किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए कितना भी प्यार करते किसी के नाम पे नहीं जाना, 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 जाना चाहिए। भी करते पोते किसी के नाम पे ना जाए कितना भी आप प्यार करते हो क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं वो हाथ पाँव भी दबाएंगे वो अस्पताल भी ले जाएंगे वो दवा दारू भी करेंगे और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, hmm. मेरी बेटी, बहू मेरा पोता जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए कोई प्रलोभन आए कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो कुछ हो उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें अपने पैसे को शेयर ना करें जी